नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा जिले से है। अक्सर आपने तो फिल्मों में यह देखा होगा कि विलन के द्वारा यह कहा जाता है कि लड़की लेकर आओ तब हम लड़के को वापस करेंगे। इसी फिल्मी स्टाइल में अस्थावा थाना क्षेत्र इलाके के शेरपुर गांव के चरितार्थ किया गया है। गौरतलब है कि शेरपुर गांव के ही एक युवक और युवती आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के प्रेम प्रसंग का परवान इतना चढ़ गया कि समाज के ठेकेदारों की चिंता ना करते हुए दोनों प्रेमी युगल अपने अपने घर छोड़कर भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही शेरपुर गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लड़के द्वारा लड़की को भगाने की बात लड़की पक्ष को इतना बुरा लग गया कि लड़की पक्ष के लोगों ने दबंगई करते हुए लड़के पक्ष के मां को घर से उठाकर अपने घर में 9 घंटे तक बंधक बनाया और उसके ऊपर कई तरह के जुल्म ढाए। लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के की मां के सिर के बाल भी काट दिए। लड़की पक्ष के लोगों का पुलिस से यही डिमांड था कि मेरी बेटी को लेकर आओ, तभी हम बेटी के एवज में लड़के के मां यानी महिला को रिहा करेंगे। हालांकि इस घटना की भनक जैसे ही अस्थावा पुलिस को लगी, अस्थावा थाना पुलिस सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ शेरपुर गांव में 9 घंटे से बंधक बनी महिला को छुड़ाने में जुट गई। करीब 9 घंटे तक पुलिसकर्मी और गांव वालों के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा। सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 घंटे तक महज कुछ ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को भी मूक दर्शक बनाकर गांव के अंदर ही खड़ा रखा। अंततः अस्थावा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य बालमुकुंद पासवान की पहल पर 9 घंटे से बंधक बनी महिला को छुड़ाया गया। हालांकि इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। एहतियातन के तौर पर गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई थी। वही इस संबंध में डीएसपी सदर डॉक्टर सिब्बली नोबानी ने घटना की जांच के उपरांत कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। कार्रवाई की गई सर, अस्थावा के शेरपुर मामले में क्या घटना घटी थी सर? एक लड़की गायब हो गई थी, उनके परिजन के द्वारा जो आरोपी लड़के हैं उनके परिवार के एक सदस्य को घर में लोग बंद करके रखे हुए थे। काफ़ी कोशिश किया गया, उसके बाद सब कुशल उसे मुक्त कराया गया वहाँ से। और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। लड़का लड़की कुछ मैटर था भागा भागी का, और उसके बाद हम लोग को देखे कि दोनों तरफ से मौत बहुत भयंकर था। थाना प्रभारी हमको बोले, फ़ोन किए कि आपका क्षेत्र में इस तरह की बात है, आप आइए। तो थाना प्रभारी पहले से उपस्थित थे, हम वहाँ गए, मैटर को जो बन पाया हम लोग सॉल्व करने का कार्य किया है। कितने लड़के वाले के अपहरण की बात आ रही है, कोई बंधक बनाने की बात आ रही है? हाँ, एक महिला को बंधक बनाया गया था। कौन लोग किया था ये? लड़की पक्ष के लोग किए थे। कितने घंटों तक रहे ये बंधक? वही 8-9 घंटे के आसपास। क्या नाम हुआ आपका? बालमुकुंद पासवान। बाल वाल भी कुछ काटने की बात सामने आ रही है? ना ना ना, उसका हमको रिपोर्ट नहीं।